देखो बेटा, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, लॉन्चिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, लॉन्चिंग LAUNCH, लॉन्चिंग एट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कृत्रिम उपग्रह। देखो बेटा, ये एक इसका मतलब हिंदी का है, लॉन्चिंग और लॉन्चिंग एट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हाँ, कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण, कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण। देखो ये आपका ऊपर दिखाया गया है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये कृत्रिम उपग्रह है। हाई जो है यहाँ पर देखो अग्निकोष्ठ है, ये राकेट है, पूरा मिला करके यहाँ से यहाँ तक राकेट है, यहाँ पर अग्निकोष्ठ है, ये जो है आपका एक प्रथम खंड है, ये जो है एक द्वितीय खंड है, ये हिस्सा तृतीय खंड है। इसके सहायता से सैटेलाइट को जो है किसी भी कक्षा में स्थापित किया जाता है। ये देखो कृत्रिम उपग्रह को बहुखंडीय राकेट की सहायता से कक्षा में स्थापित करते हैं। बहुखंडीय मतलब कई खंड, तृतीय खंड, देखो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये अग्निकोष्ठ है, प्रथम स्टेज, ये सेकंड स्टेज है, ये जो है थर्ड स्टेज है, ये जो क्या है कि थर्ड स्टेज है, ये ठीक से सुन लो, ये अग्निकोष्ठ है, एक फर्स्ट स्टेज, ये आपका हिस्सा है सेकंड स्टेज, ये जो है कि थर्ड स्टेज है, यहाँ से यहाँ तक पहली स्टेज लिखा गया। ये क्या होता है इसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट में किसी भी जगह प्रक्षेपण किया जाता है, प्रक्षेपण का मतलब फेंका जाता है, ऐसे फेंका जाता है राकेट की सहायता से फेंका जाता है, तो तब किसी भी कक्षा में स्थापित राकेट की सहायता से किया जाता है। पृथ्वी के समीप वायु का घर्षण सर्वाधिक होता है तथा साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी अधिक होता है, अतः राकेट के प्रथम खंड को बड़ा बनाया जाता है। आप लोग देखो ये राकेट का जो फर्स्ट स्टेज है वह जो है ये स्टेज जो है कि बड़ा होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक हमने जो है बड़ा बनाया फर्स्ट स्टेज को, ये जो है कि आपका ये यहाँ तक जो है ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज जो है यहाँ तक है, ये सेकेंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज, तो ऐसे क्रमशः जो है कि ये पहले बड़ा, फिर जो है कि छोटा, फिर इससे भी छोटा जो है कि होता है, थर्ड स्टेज सबसे छोटा होता है, फर्स्ट स्टेज अच्छा ऐसे जो है कि बनाया जाता है। तो राकेट का प्रथम खंड को बड़ा बनाया जाता है तथा इससे अधिक मात्रा में ईंधन द्वारा ईंधन भरा जाता है, फर्स्ट स्टेज में जो है कि ईंधन जो है अधिक भरा जाता है। राकेट की नसिका में उपग्रह रखा जाता है, राकेट का ये नसिका है इसमें उपग्रह जो है रखा गया है, चित्र में आप लोग देख ही रहे हो, फिगर ए और फिगर बी मान लो इसको, और ये सब को अंतिम वाला फिगर सी मान लो कि है। अब देखो क्या रखे, नसिका पर जो है ये सैटेलाइट रखा जाता है। अच्छा अब देखो राकेट को पहले ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये ऊपर की ओर पहले ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाता है जिससे वह पृथ्वी के घने वायुमंडल को कम से कम समय में पार कर ले, इसलिए फेंका जाता है कि कम से कम घने समय में पार कर ले। ऊपर पहुंचने पर राकेट में इस प्रकार का स्वचालित प्रबंध होता है जिससे कि वह धीरे धीरे क्षैतिज दिशा में मुड़ता चला जाता है, ठीक है ना,
ये जो है कि धीरे धीरे क्षैतिज दिशा में जो है आप लोग मुड़ते हुए देख रहे हो, फिगर में फिगर भी देख रहे हो। अच्छा, ऊपर पहुंचने पर रॉकेट में एक प्रकार का स्वचालित प्रबंध होता है जिससे कि वह धीरे धीरे क्षैतिज दिशा में मुड़ता चला जाता है। आप लोग देख रहे हो कि क्षैतिज दिशा में धीरे धीरे यह मुड़ता चला जाता है, इसमें फिगर बी में आप लोग देख रहे हो। अच्छा, राकेट आप पहले क्या होता है, पहले वो द्वारा फेंका जाता है कि वायुमंडल से जल्दी जो है कि बाहर निकल जाए, फिर इसके बाद वायुमंडल से बाहर निकल जाता है तो क्या होता है कि कम समय में पार कर ले, यही मैं बताया हूं। अब फिर इसके बाद धीरे धीरे वो जो है कि क्षैतिज दिशा में जो है कि मुड़ता चला जाता है। अच्छा, क्षैतिज दिशा में देखो ऐसे मुड़ा हुआ है फिगर बी में। अच्छा, अब देखो रॉकेट के पहले खंड का ईंधन समाप्त होने पर वो उपग्रह से अलग हो जाता है। पहले खंड का ईंधन आप लोग देख रहे हो कि समाप्त हो गया है, तो ये देखो फर्स्ट स्टेज है, ये जो है कि अलग हो गया, हमने चित्र में दिखाया हूँ आप लोग। अच्छा, इसी समय रॉकेट का दूसरा खंड कार्य करने लगता है, ये सेकेंड, ये खंड जो है फर्स्ट स्टेज अलग हो जाता है तो सेकेंड खंड जो है कि काम करने लगता है। फर्स्ट स्टेज तो आप लोग देख ही रहे हो, ये अलग हो जाता है, सेकेंड खंड जो है काम करने लगता है। कौन सा खंड काम करने लगता है, सेकेंड खंड, ये हो गया। अच्छा, इससे रॉकेट के शेष भाग तथा उपग्रह का वेग बढ़ता है। कुछ समय पश्चात दूसरा खंड भी उपग्रह से अलग हो जाता है। अंत में तीसरा अथवा अंतिम खंड उपग्रह को पूर्व निर्धारित वेग देकर एक स्प्रिंग की सहायता से कक्षा में छोड़ देता है। तब ये एक जो है कि अंतिम अब जो खंड बचता है वह क्या करता है, तीसरा खंड अथवा कहो तो चाहे अंतिम खंड कहो, उपग्रह को पूर्व निर्धारित वेग देकर एक स्प्रिंग की सहायता से कक्षा में छोड़ देता है। स्प्रिंग भी रहती है इसमें, उसकी सहायता से कक्षा में छोड़ देता है। अंतिम वाला जो थर्ड स्टेज हो चाहे फाइनल स्टेज हो, वो कक्षा में छोड़ देता है स्प्रिंग की सहायता से। समझ में आ चुका होगा आप लोग को। तब उपग्रह अपनी कक्षा में स्वतः ही बिना ऊर्जा खर्च किए अब जो है चक्कर लगाता है। ये जो है कि ये सैटेलाइट, ये जो है कि कक्षा में चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता रहता है। अब इसके पास ईंधन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी ध्यान रखो। आप लोगों को मालूम है कि अभी इसमें सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रहे हैं, तो क्या ईंधन है इसके पास? यही जो है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है कि द्वारा जो है कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच लगता है, इसके द्वारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है कि प्रदान करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके द्वारा जो है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। वही बात आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी है कि वो जो है कि स्प्रिंग की सहायता से फाइनल स्टेज जो है कि दे देता है ईंधन, अपना जो है कि वो स्प्रिंग की सहायता से वेग दे देता है फाइनल स्टेज, थर्ड स्टेज का हो चाहे वही अंतिम स्टेज हो, तो वही जो है कि दे देगा फिर अपना वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट अपना रोटेट करता रहेगा पृथ्वी के चारों, पृथ्वी के अराउंड में। अच्छा, बिना उसको कोई ईंधन की जरूरत अब नहीं होगी। अच्छा, अब जो है कृत्रिम उपग्रह को सदैव इतना वेग दिया जाता है कि उसकी कक्षा पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर रहे, वरना वायुमंडल के घर्षण से इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी कि उपग्रह जलकर नष्ट हो जाएगा। वायुमंडल में नहीं रहना है, उसको इतना वेग दे दिया जाता है कि पृथ्वी के कक्षा से बाहर ही रहे, यानी अंतरिक्ष में रहे, वायुमंडल में रहेगा तो ये तो जल सकता है, इसलिए जो है कि उतना वेग से अधिक दे दिया जाता है कि अधिक ऊपर रहे, वायुमंडल से बाहर रहे, इतना वेग जो है कि दिया दे करके उसको छोड़ा जाता है कि ताकि पृथ्वी की परिक्रमा करे तो वो जो है पृथ्वी के वायुमंडल से न जले, इसीलिए वायुमंडल से अलग कर दिया जाता है अधिक वेग दे करके। साथ ही इसे कक्षा में भेजते समय वायुमंडल के घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से बचाने के लिए उपग्रह की सतह पर विशेष अग्निरोधक वस्तुओं का लेप किया जाता है। वायुमंडल में शुरू शुरू में तो जाता ही है,
इस पर लेप भी कर दिया जाता है, सैटेलाइट पर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर लेप भी कर दिया जाता है, अग्निरोधक वस्तुओं का लेप किया जाता है कि आदमी उसको कुछ करना कर न सके, किसी का लेप जो है कर दिया जाता है। तो अब देखो बेटा, अब कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग क्या है, कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग, यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल। अब आप लोग को पूरा इस बात तो समझ लिए होंगे, सैटेलाइट, यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसकी उपयोग जो है सही है बोल दे रहा हूँ, तत्काल उपयोग में बता दे रहा हूँ। वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, इसकी सहायता से वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा नंबर पर होगा, पहला नंबर पर, फिर दूसरा नंबर पर बता दे रहा हूँ, पृथ्वी के आकार तथा इसकी आंतरिक रचना का अनुमान लगाया जाता है। तीसरा नंबर पर है, हाँ, ब्रह्मांड से आने वाले विकिरणों का अध्ययन किया जाता है। चौथा नंबर पर है, मौसम के बारे में पूर्व सूचना प्राप्त की जाती है। पांचवा नंबर पर है, मौसम के बारे में पूर्व सूचना प्राप्त की जाती है, पांचवा नंबर को बता रहा हूँ। दूरदर्शन, दूरदर्शन कहो चाहे टेलीविजन कहो, दूरदर्शन को अंग्रेजी होता है टेलीविजन, अच्छा, कार्यक्रमों तथा दूरदर्शन या टेलीविजन कार्यक्रमों तथा संवादों को दूर 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 पर संचारित किया जाता है। छठा नंबर पर, तो पांचवा नंबर मान लो, इस छठा नंबर पर इनके उपयोग में इनके उपयोग से यानी कि कृत्रिम उपग्रह के उपयोग से मानव की अंतरिक्ष उड़ान तथा दूसरे ग्रहों पर पहुंचने का कार्यक्रम संभव हो सका है। सातवां नंबर पर है, विमान चालक दिशा ज्ञान करते हैं, विमान चालक मतलब जो विमान चलाता है, जो हवाई जहाज चलाता है, उसको जो है दिशा ज्ञात करता है। आठवां नंबर पर, है, युद्ध काल में भी विभिन्न कार्य किए जाते हैं आदि। और है उपग्रह, लेकिन आठ हमने इसका उपग्रह का उपयोग बताया, कृत्रिम उपग्रह का आठ यूज हमने बताए। आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें।